मुझे कहती है नफ्सियाती औरत, मैं इसको बताऊंगी कि फिर नफ्सियाती औरत क्या होती है, पागल तो फिर कुछ भी कर सकता है ना। इसको भी मैंने पागल करके गुड्डू बंदड़ा पहुंचाया ना, तो मेरा भी नाम अजरा नहीं, जीना हराम कर दूंगी इसका मैं। ये अजरा, मैं तो कहती हूँ अभी लोहा गर्म है, चोट मार दो। इस सारे के सारे भाई बाप के गम में पड़े हैं, जमाल भाई को बोलो सारों को कलीचा का नारा लगाएं और सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लें। यहाँ कुछ नहीं होने वाला जब तक हमारी सास की इज्जत खत्म नहीं हो जाती, वो बाद में बात शुरू हो जाती है। मुझे इज्जत तो सुकून से कर लेने दो। अरे भला बताओ और कितना सुकून चाहिए इस बुढ़िया को, सारा दिन बुढ़िया बिस्तर तोड़ती है, 3 वक्त का खाना कमरे में बैठ के मिलता है, किसी काम को हाथ नहीं लगाती और कह रही कि सुकून नहीं लेने देते। क्या मैं इसके सर पर गोल पीटती हूँ उसको सुकून नहीं मिल रहा है? अब तो बड़े मियाँ के मरने के बाद इनको और बहाने मिल गए हैं बेटों की हमदर्दियाँ बटोरने के लिए और ड्रामे करने के लिए। लेकिन लेकिन सबसे पहले जो मैंने काम करना है ना, वो वासिफ और इस फरहत छुड़ली को घर से निकाल, इसके बाद देखेंगे बाकी सब। हजरा तेरी बात में दम है, फिर क्या बात तो है, इतने मीठे बिस्किट कौन लेके आया, शुगर बढ़ जाएगी मेरी। नहीं तुम्हारा भी बड़ा मसला है, हर वक्त तुम्हें कुछ खाने को चाहिए, जब खाने को तो कहते हैं मीठा है, फीका है, खट्टा है, नमकीन है, चुप करके खा लो। बिन जुबान से जो है ना कपड़े बेचने निकली हूँ फेरे पे, हैं जरा 2 बिस्किट क्या खा लिए तुम्हारे घर के, तुम तो मेरे को बातें सुनाने बैठ गई। और तुम तो ऐसे कह रही हो तुमने पूरे मोहल्ले में कुछ खाया नहीं होगा, जाते ही तो तुम खाना पीना मांगना शुरू कर देती हो। भाई कितनी दफा कैसा चाय नहीं पिया करो मेरे सामने। मुझे सुकून नहीं आता,